भाई मेरा बैग रख लिया है, बैग दे नहीं रहे हैं। बैग बैग आई गो विद इट, नो आई गो विद इट। दिमाग का कोई स्कैम हो गया। अरे 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 अरे, इन लोग मेरे को इसके अंदर बैठने नहीं दे रहे हैं भाई। बुरी तरह लड़ाई हो रही है, बुरी तरह लड़ाई हो रही है। सो गाइस, ये मेरी होस्ट है क्वीन। इन्होंने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया है, तो अभी हम लोग इनके घर जा रहे हैं। डोंट नो कैसे लेके जाएंगी। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री सियरा लियोन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी बोट टाउन में। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जर्नी को आगे कंटिन्यू करने का और न्यू कंट्री जाने का। आज मैं जा रहा हूँ लाइबेरिया, जो कि मेरी वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप की 9th कंट्री है। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से लाइबेरिया के लिए। और लाइबेरिया का वीज़ा मैंने लिया था गिनी की कैपिटल कोनाकरी से, सियरा लियोन के वीज़ा के साथ ही। दोनों की एम्बेसी बहुत ही पास में है। लाइबेरिया का वीज़ा $100 का है और 3 महीने के लिए वैलिड है, सिंगल एंट्री है। लेकिन उन्होंने बोला अगर आप $100 का लोगे तो आपको वीज़ा 4 वर्किंग डे के बाद मिलेगा। और मैं जिस दिन गया था उस दिन फ्राइडे था, तो सब मिला के 1 वीक लग जाता। तो लाइबेरिया के एम्बेसडर ने मेरे से बोला कि आप मेरे को $150 दो, आपको मैं वीज़ा ऑन द स्पॉट तुरंत दे दूंगा। मैंने कहा इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, कुछ कम कर दो, आप मेरे से $120 ले लो। बोले नहीं नहीं, आप मेरे को चलो 140 दे दो। हम कहे नहीं, इतने तो नहीं है, आप चलो 125 ले लो। कहा चलो ठीक है। उन्होंने मेरे से $125 लिए और ऑन द स्पॉट विद इन 1 सेकेंड मेरे को लाइबेरिया का वीज़ा दे दिया। नहीं तो मेरे को फिर 5 दिन और वेट करना पड़ता लाइबेरिया के वीज़ा के लिए। और मेरे से उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया, कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा पासपोर्ट को उन्होंने स्कैन किया, 2 फोटो ली और कुछ भी नहीं लिया। तभी मैं शाहजी भाई जी के यहाँ पर हूँ, जिनकी कार है धुल रही है। गुड मॉर्निंग शाहजी। सो यू आर लीविंग टुडे? या टुडे आई एम लीविंग। सो भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, फॉर होस्टिंग मी। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग भाई जी। सो विश यू सेफ जर्नी, गुड लक। थैंक यू सो मच। तो भाई ये कुछ ब्रेकफास्ट है भाई जी ने बनाया है। ये ब्रेड है, ये सब्जी है, पोटैटो ऑनियन। तो भाई ये ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग कार के लोकेशन पर जा रहे हैं, जहाँ से लाइबेरिया के लिए, नहीं लाइबेरिया और सियरा लियोन के बॉर्डर के लिए कार मिलेगी बोट टाउन से। मैंने भी डिस्टेंस चेक किया, बोट टाउन से लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। यहाँ से बॉर्डर 150 किलोमीटर है, बॉर्डर से फिर मोनरोविया 150 किलोमीटर है। दिस एरिया इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, ओके। बोट टाउन का ये जो एरिया है, एरिया का नाम है न्यूयॉर्क। ब्रेड, तो भाई यहाँ पे ब्रेड बेच रहे हैं कार से उतरते ही। कुछ ऐसी मार्केट है ये बो की, यहीं के आसपास से कार चलती है। नॉट गोइंग, फाइंड अदर कार। कुछ कार यहाँ से सिर्फ बॉर्डर के लिए जाती हैं, कुछ कार सीधे मोनरोविया जाती हैं। डिपेंड करता है लक के ऊपर कौन सी कार मिलती है, अभी तो कोई भी नहीं मिल रही है। तो भाई यहाँ पे देखो गैराज टाइप का है, काफ़ी कार यहाँ पे खड़ी हैं अलग अलग लोकेशन जाने के लिए। लाइबेरिया बॉर्डर, लाइबेरिया बॉर्डर, विच कार? This one? Renault. How many people are there? No, nobody there. Nobody. Only me? Yeah. I guess I come. So here we are. Wait, I coming. Okay. This car? Yeah, this car. भाई कहाँ रखेंगे यहाँ पे? जगह भी है? Oh, भाई साहब. How do you close? Yeah, everything is cruising. I'm going inside Moravia. Look at my car. This guy is food. Where are you going? Library, I'm going straight to Moravia. Right now? Now. I only need passenger. If you can go with me, I can. No, the car is full now. I can't wait for anyone again. Let's go, man. Forward is that. Look, the car already flop. Wait, two people have learned. Which one will take me? No, I go with him. No, but listen. I go with him. अरे 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 अरे, इन लोग मेरे को इसके अंदर बैठने नहीं दे रहे हैं। भाई बुरी तरह लड़ाई हो रही है, बुरी तरह लड़ाई हो रही है। बाय 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 बाय। ओ माय गॉड, अभी से पीछे पड़े हुए हैं भाई, आधे घंटे से ऊपर हो गए, जा नहीं रहे। देखो सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। विल गो डायरेक्टली टू मोनरोविया।
ओके भाई, हर तरफ लोग आके घेर लिए, देखो So what is your name? My name is Augustine. Augustine? Yeah. You from Sierra Leone or Liberia? Yeah, I'm from Sierra Leone. Sierra Leone, okay. Yeah. And you're wearing an army dress? Yeah, I'm a military officer. Military officer? Yeah. In Sierra Leone army? In Sierra Leone army. Okay. They were not letting me go with you? Yeah, because they want the money. They want the money? Yeah, they want the money. And they were fighting with you? So, bhai, the sharing car ka price hai, wo se Monrovia ka 300 kilometer ka hai, 250 Leon, lagbhag 1500 rupay. Aur utna hi same ye bhi mere se le rahe hain, 250 Leon. Lekin wo car yaar kafi log the, kafi chaotic tha. I don't know कितनी देर में निकलती, बॉर्डर क्रॉसिंग में भी बहुत टाइम लगता, धीमे चलती. अब इनके साथ मैं अकेले हूँ तो फटाफट जल्दी बॉर्डर पहुँचूंगा, जल्दी से मैं मोंटोविया पहुँच जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहीं रुकना नहीं होगा. तो भाई अभी आर्मी का चेक पोस्ट पड़ा, वाली कार होती तो काफ़ी टाइम लगता, उतरते हैं शायद डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटे लग सकते थे, बट ये बोले सब हमारे फ्रेंड है, विद इन 1 मिनट हम लोग आगे निकल गए. ही वाज हस्बैंड ऑफ योर? माय वाइफ Sister's husband. Sister's husband, yeah. So, is your brother-in-law? Yeah. Okay. Hello? And you're going to Monrovia for work? Yeah, I'm going to visit my auntie. You already live in Monrovia? Yeah. Okay. So, Augustine? Yeah. Which location you are posted? I'm posted in Freetown. In Freetown? Yeah. How long have you been in army? I've been in the army for 10 years. For last 10 years? Yeah. Here in Sierra Leone, what is the general salary the army personnel get? In the US dollar, it's $150. $150 yeah, per month. So average salary in Sierra Leone army. Yeah, yeah. Okay. जब से मैं वेस्ट अफ्रीका आया हूँ, सेनेगल और सियेरा लियोन छोड़ के कहीं पर भी रोड अच्छी नहीं है. सेनेगल में ऑलमोस्ट सारी रोड अच्छी थी, एटलीस्ट जो नेशनल हाईवे थे. सियेरा लियोन में भी सारे नेशनल हाईवे वर्ल्ड क्लास है, बट गिनी बिसाऊ में, माली में और जो भी कंट्रीज थी, कहीं पर भी रोड अच्छी नहीं थी यार. पूरी रोड खाली है यार, बहुत ही कम गाड़ियां दिख रही हैं. रोड भी ठीक ठाक है यार, ब्रॉड है, बहुत अच्छी कंडीशन में है, वेल मेंटेन. एक लग रहा है नई रोड बनी है, लग रहा है बस हम ही लोग रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और कोई नहीं है. ज्यादा नहीं, 5 साल पहले तक ही यहाँ पर भी रोड का हाल नेबरिंग कंट्रीज जैसा ही था, बहुत ही खराब रोड थी. रोड थे ही नहीं, सारी रोड यहाँ पर 5 साल पहले ही बनी है. ऑल द आर्मी ऑफिशियल्स आर योर फ्रेंड? यू नो एवरीवन? तो भाई रास्ते में बहुत सारे आर्मी ऑफिशियल्स मिल रहे हैं, चेक पोस्ट मिल रहे हैं, सब इनके फ्रेंड हैं, जान पहचान के हैं, सबसे हंसी मजाक हो रहा है. एक दो दो मिनट में निकल ले रहे हैं हम लोग वहाँ से. हम लोग अराउंड 10 बजे घर से निकले थे और 10:30 के आसपास ये गाड़ी हम लोग ने ले ली थी और 2 घंटे हो चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं और हम लोग बॉर्डर पहुँचने वाले हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर सियेरा लियोन एंड लाइबेरिया का. तो बॉर्डर पर मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाऊँगा क्योंकि दोनों कंट्री का इमिग्रेशन होगा, सियेरा लियोन का एग्जिट एंड लाइबेरिया का एंट्री इमिग्रेशन. उसके बाद ही फिर आप लोगों को मिलूंगा. तो गाइस ऑफिशियली वेलकम टू माय 9th कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप. लाइबेरिया में हम लोग की ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है, नाउ वी आर इन लाइबेरिया. तो सियेरा लियोन एंड लाइबेरिया दोनों का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा इजी था. जब मैं सियेरा लियोन की इमिग्रेशन में पहुंचा तो स्टार्टिंग में मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन करने लगे हैं कि अपना रेजिडेंट परमिट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप बाई लैंड बॉर्डर क्यों आ रहे हो, फ्लाइट से क्यों नहीं आए. मैंने बोला भाई मैं आया नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ. तो अच्छा जा रहे हो तो पहले बताना था. तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं क्वेश्चन किया मेरे से और एक्सिस टाइम दे दिया मेरे को. उसके बाद फिर जब लाइबेरिया के इमिग्रेशन पे हम लोग आए तो नॉर्मल क्वेश्चन किया उन्होंने कि लाइबेरिया में कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रहोगे, आपका ऑक्यूपेशन क्या है. इससे उन्होंने कुछ नहीं पूछा और मेरे को एंट्री दे दी लाइबेरिया में. मेरे पास 500 लियोनेस थे, 250 लियोनेस मैंने इनको दिया. उसके बाद मैंने 250 लियोनेस को लाइबेरिया की करेंसी में एक्सचेंज करा लिया. लाइबेरिया की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर, यहाँ पर लोकल लोग लाइबेरियन डॉलर को लिबर्टी बोलते हैं. तो मेरे को 250 लियोनेस का 2500 लिबर्टी दिया है. तो ये देखो भाई, ये लाइबेरियन डॉलर है, लोकली इसको लिबर्टी बोलते हैं और ये 100 लाइबेरियन डॉलर की नोट है, लिखा हुआ है $100. मैंने अभी यार ये 10 पीस बनाना लिया हूँ, खा भी लूँगा, इन लोगों को भी खिला दूंगा. ये मेरे को पड़ा 200 लिबर्टी का, लगभग 120 रुपये में 10 पीस बनाना. और अभी मैं सिम कार्ड लेने गया, बोल रहे थे भाई सिम कार्ड दे तो देंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, इससे बेटर आप जाके कैपिटल मोनरोविया में सिम कार्ड खरीदना. तो अभी मेरे पास कोई भी सिम कार्ड नहीं है. तो अभी पता चला पीछे ये जो दो पैसेंजर्स हैं ये इंटरनेशनल पुलिस में काम करते हैं. इंटरनेशनल पुलिस ना? लाइबेरिया और सियेरा लियोन? लाइबेरिया. इंटरनेशनल पुलिस, ओके. इंटेलिजेंट. ओके. तो नॉर्मल सिविल ड्रेस में है, मेरे लोग भाई कोई नॉर्मल लोग होंगे, आप पता चला. सो गाइस अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और हम लोग लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया पहुंच चुके हैं. अभी मोनरोविया के आउटस्कर्ट्स में है, मेरे को जहाँ जाना है जिस एरिया में
मोनरोविया के सेंटर में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इनको भी सेंटर में ही जाना है। सो गाइस मोनरोविया में एंट्री करते ही बहुत ही बड़ी मार्केट पड़ी है, लोकल मार्केट है और काफी ज्यादा बड़ी मार्केट है। What is the name of this market? द्वाला मार्केट। द्वाला मार्केट का नाम है द्वाला मार्केट। सिटी के अंदर आते ही यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत बुरा ट्रैफिक है। यहाँ पर ऑटो रिक्शा की लाइन लगी हुई है और सारे ऑटो रिक्शा टीवीएस कंपनी के हैं सारे, और अभी तक मेरे को जितनी टू व्हीलर्स दिखी हैं सारी टीवीएस की दिखी हैं। ऑलरेडी हम लोग मोनरोविया पहुंच चुके हैं बट लग रहा है इस पार्ट से सेंटर पहुंचने में ही आधे से एक घंटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा बुरा ट्रैफिक है, पूरी रोड भरी हुई है, समझ लो पैदल चलने की भी ठीक से जगह नहीं है। दस में से एक दो मोटरसाइकिल बजाज की भी दिख जा रही हैं। मार्केट में कुछ लोग कैमरा यूज करने पे यार मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। तो फाइनली मोनरोविया के सेंटर में पहुंच चुके हैं, इस एरिया का नाम है बेंजीन स्ट्रीट। बेंजीन स्ट्रीट नाम है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी होस्ट है, मेरे पास कोई सिम कार्ड है नहीं तो मैंने इनके नंबर से उनको कॉल किया हूँ, मेरे पास उनका एड्रेस भी नहीं है। तो एकदम सेंटर पार्ट है ये मोनरोविया का। तो भाई ये बोल रहे हैं यहाँ पर जितने भी आप लोग दिख रहे हैं सब क्रिमिनल्स हैं। ओके, और आपका फोन कैमरा छीन के भाग जाएंगे पब्लिकली, बहुत ही कम यूज करो, बाहर मत निकालो। Your shop? Yeah. My house is not okay. Okay. I can record a short video? Yeah, no. Okay. So guys, ये मेरी host है Queen. Yeah. इन्होंने मेरे को यहाँ पे invite किया है, लाया है Monrovia में. और you work here? Yeah, yeah. This is your studio? Yeah, this is my studio. What do you do? I mean? Makeup. Yeah. तो बोल रही हैं अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी एक या दो घंटे के बाद इसको बंद करेंगी तो अपने घर जाएंगी, इनका घर इस एरिया में नहीं है और कहीं पे है। सो गाइस ये क्वीन की शॉप के बाहर बालकनी से व्यू है मोनरोविया सिटी का, बेंसन स्ट्रीट का। ये पूरी बेंसन स्ट्रीट है, ये आसपास पूरी मार्केट है, काफ़ी सारी शॉप्स है और स्ट्रीट शॉप्स भी हैं, स्ट्रीट मार्केट भी है यहाँ पे काफ़ी सारी, जैसे पूरे वेस्ट अफ्रीका में होता है वैसे यहाँ पर भी है। हेलो, ओके, हेलो। सो गाइस शाम हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं इनके घर जाने के लिए। आई थिंक मेरी वेस्ट अफ्रीकन ट्रिप में मेरी ये पहली फीमेल होस्ट है जहाँ तक मेरे को याद है, और ये बोल रही है यार यहाँ पे कुछ एरिया काफ़ी ज़्यादा अनसेफ है, वहाँ पर आप फ़ोन भी बाहर पॉकेट से नहीं निकाल सकते हो, इतना अनसेफ है, बहुत संभल के यहाँ पे घूमना पड़ेगा, फ़ोन और कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। सिम कार्ड विल बाई टुमारो मॉर्निंग। तो तो मेरे पास कोई लोकल सिम कार्ड नहीं है, इन्होंने अपना दूसरा सिम कार्ड मेरे को दे दिया है आज रात तक यूज़ करने के लिए, कल मॉर्निंग में यहाँ पे नया सिम कार्ड खरीदेंगे। बोल रहे हैं सारी शॉप यहाँ पे दोपहर में बंद हो जाती हैं। यू थिंक सो? ओके, ये बोल रही हैं लाइबेरिया पूरे वेस्ट अफ्रीका का ओल्डेस्ट कंट्री है, बोल रही मे भी शायद पूरे अफ्रीका का ओल्डेस्ट कंट्री है, मे भी शायद पूरे अफ्रीका का ओल्डेस्ट कंट्री हो सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है, बहुत सारे सोर्सेज बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइबेरिया एंड इथियोपिया पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की दो ऐसी कंट्रीज है जो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुई हैं, एंड लाइबेरिया इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो गाम्बिया और सियरा लियोन की तरह लाइबेरिया भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। लाइबेरिया के बारे में आप लोगों को अलग से बताऊंगा मे बी अभी बाद में या अगले व्लॉग में। एवरीवन इज लुकिंग एट अस, जितने लोग भी आ रहे सब लोग सिर्फ हमें लोग को देख रहे हैं यहाँ पे आसपास, बहुत भीड़ भाड़ के एरिया में तो मैं कैमरा निकाल भी नहीं पा रहा हूँ। तो अभी हम लोग मोनरोविया के कैपिटल के सेंटर में हैं। ये बोल रही हैं यार
कंट्री और कैपिटल सब कुछ यार काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि इस कंट्री में ना 14 साल तक सिविल वॉर चला था, 14 साल तक, फ्रॉम 1989 टू 2003। तो अभी लगभग 20 साल पहले ही कंट्री सही पोजीशन में आई है, उसके पहले कंट्री पूरी खराब हो चुकी थी, पूरी कंट्री में बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत डेडली सिविल वॉर यहाँ पे हुआ था। तो कंट्री अभी भी उस सिविल वॉर से उभरने के प्रोसेस में है और लोगों की कंडीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ऐसे बोल रही है। तो अभी हम लोग इनके घर जा रहे हैं, आई डोंट नो कैसे लेके जाएंगी, पूरा वॉक ही करना पड़ेगा कि कोई ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, नो आइडिया, लेट्स सी। काफी ज्यादा शोर शराबा है, मैं भी आवाज उतनी क्लियर ना आ रही हो। You have to cross the road. ये ऑटो में बैठ रहे हैं तो ये अपने ये टीवीएस के ऑटो में बैठ चुके हैं। और इस कंट्री में आते ही रिलीजियस डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी है। इस कंट्री में ना 85% पीपल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, अराउंड 10% के आसपास इस्लाम को, बाकी 5% जो बचे अपना अदर रिलीजन हो गया। ओ देखे सर कैमरा, एवरीवन इज सेइंग दिस सेम थिंग एवरीवेयर। बहुत सारे सोर्सेज बोलते हैं कि लाइबेरिया पूरे वेस्ट अफ्रीका का सबसे गरीब देश है और जीडीपी इसकी काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है इसकी जीडीपी पर कैपिटा। अभी रास्ते में सिमेट्री पड़ा था, आप ये जो देख रहे हो ये ग्रीन कलर का पूरा जो ग्रास वगैरह, ये पूरी सिमेट्री है। और क्वीन बोल रही है यहाँ पे इतनी गरीबी है, लोग सिमेट्री में जाकर डेड बॉडी बाहर निकल के वहाँ रहने लगते हैं। पीपल लिव इन सिमेट्री, दे टेक आउट डेड बॉडी एंड लिव इन सिमेट्री। भाई ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, काफी सारे लोग यहाँ पे मोटरसाइकिल में या छतरी लगाए हुए हैं कुछ एम्ब्रेला टाइप का। अभी कोई जंक्शन में आए हैं हम लोग ऑटो लेके, यहाँ से कोई कार लेंगे इनके घर जाने के लिए। टोटल दो ट्रांसपोर्टेशन, यही कार मिल गई। तो भाई ये लाइबेरिया का फ्लैग है जो कि US के फ्लैग से काफ़ी मिलता जुलता है। ये देखो, अगर ब्रॉडली देखोगे सिर्फ ये स्टार का डिफरेंस है, US के फ्लैग में काफ़ी सारे स्टार है, इसमें सिर्फ ये एक स्टार है। लाइबेरिया फ्लैग वेरी सिमिलर टू द US फ्लैग। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? हेलो, हु इज ही? योर सन। ओके, तो ये भाई क्वीन के बेटे हैं। यहाँ पर भी ना सेरा लियोन टाइप की क्रियोल लैंग्वेज बोली जाती है जो कि इंग्लिश जैसा है लेकिन इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश अलग से बोली जाती है। जो पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है यहाँ की क्रियोल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इनसे मैंने अभी पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो बता नहीं पा रहे थे इनकी लोकल लैंग्वेज में वो योर नेम, व्हाट इज़ नेम का वो योर नेम, कुछ ऐसा है तभी समझे। वो योर नेम टिम्बा।